नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आज आप लोगों को थोड़ा सा सेटअप चेंज लग रहा होगा पिछले कुछ वीडियोस के लिए, तो मैं बता देता हूँ कि सेटअप इसलिए चेंज है क्योंकि आज हम लोग एक बार फिर से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप है, मैंने मंगाया, तो मैंने सोचा कि इसकी एक बार अनबॉक्सिंग आप लोग के सामने करके दिखा दूँ और अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा ही, लेकिन इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग को बताना चाहता था। तो अगर आप लोगों में से वीडियो देखने के बाद कोई इंटरेस्टेड रहता है ख़रीदने के लिए तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ख़रीद सकते हो, अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हो, तो जहाँ से आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप ख़रीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ। मैंने घर में यूज होने वाला चाकू लिया है। तो इसको मैं एक तरफ रख देता हूं। तो यहां से हमें ये मिल गया, यहां से ये निकाल के, यहां से ये निकाल के, ये जो मेन कंटेंट है हमें वो मेन कंटेंट मिल गया। इसको रख देता हूँ मैं अभी, साइड में देखता हूँ कि और भी इसके अंदर कुछ है क्या। नहीं, इसके अंदर अब कुछ नहीं है, ये खाली हो चुका है। जो भी है इसके अंदर है, एक मैनुअल है आपको कैसे यूज़ करना है। तो भाई इंडियंस को मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो हम वीडियो देख के सीखते हैं या तो एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो आप मेरी वीडियो देख के सीखना, और मैं इसको पहले से भी यूज़ करता हूँ तो मुझे आता है इसलिए। तो देखो दोस्तों, ये है आप हमारा मेन कंटेंट, और इसके बारे में इसका भी मैं पूरा बताने वाला हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे खासे तरीके से पता चलने वाला है। तो यार, आप लोगों में से जिन्होंने भी इंडक्शन यूज़ किया होगा उनको पता होता है कि इंडक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो इनके खुद के एक कुक वियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको लेने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ इंडक्शन के लिए, मतलब इंडक्शन के हिसाब से वो डिज़ाइंड होते हैं, ठीक है। उनके नीचे एक छोटा सा वो गोल सा लगा होता है जिसमें छेद 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 सा होता है, जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये है वो गोला, ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे लगा मिल जाएगा एक एंटी मैग्नेटिक वॉल। अब एंटी मैग्नेटिक वॉल क्या होता है, आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए जब भी आप गर्म करते हो तो ये वाला पोर्शन गर्म नहीं होगा, साइड वाला, सिर्फ ये जो गोला है ना, ये गोले के अंदर वाला पोर्शन गर्म होगा जब भी आप कोई सामान रखते हो गर्म करने के लिए, ताकि ये जिसके सराउंडिंग में है इस पे कोई असर ना पड़े। मान लो कभी कभी हमारा हार्ट टच हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ आपका ये गोला गोले के अंदर गर्म होगा क्योंकि यहाँ अंदर नीचे एंटी मैग्नेटिक वॉल लगे हैं सराउंडिंग से इसको बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे बहुत सारे बटन्स के ऑप्शन, बहुत सारे बटन्स के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि ये स्मार्टली ये आपका वो कुक करेगा। मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन जैसा दिया हुआ है, आपको डोसा या चपाती बनानी है तो उसके लिए बटन दिया हुआ है, ठीक है। जो पहला बटन आप देखोगे यहाँ पे, डोसा या चपाती आपको बनानी है तो उसके लिए बटन दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ऐसा ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना कि आप अगर इस बटन को दबा देते हो, एक तो ये मैं इस बटन की क्वालिटी आपको बता दूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट से बटन है, आराम से दब जा रहे हैं, ठीक है। इतने भी नहीं है कि बस टच किया दब गए, थोड़े आपको प्रेस करना पड़ेगा वो दब जाएंगे। उसके बाद ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये उतना ही टेम्परेचर रहेगा, उतना ही प्रेशर रहेगा जितना आपको डोसा या चपाती को कुक करते समय होना चाहिए, उतने ही पे ये जाके रुक जाएगा, उतना मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डीप फ्राई कर सकते हो, इडली बनानी है इडली के लिए, मतलब जो जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं उसको इन्होंने इंक्लूड किया है,
ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर मिल जाएगा। मान लो कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज अप डाउन होता है, ठीक है, जिसके घर में स्टेबलाइजर नहीं है उसके घर में ये दिक्कत आती होगी कि वोल्टेज आपका अप डाउन होता रहता है, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए इसके अंदर एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी डाली गई है, कंपनी ने बताया है। प्रेस्टीज का है, सबसे पहले तो नाम ही काफ़ी है, तो मैं इसका पूरा नाम आपको बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है प्रेस्टीज PIC 20.0 इंडक्शन कुकटॉप, तो ये इसका पूरा नाम है। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी, और आपको एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये इजी मेंटेनेंस है इसका, ठीक है, बहुत हल्का सा है, बहुत लाइट वेट है, ठीक है, आप इसको ले के कहीं भी जा, सॉरी ये तो लाइट वेट है लेकिन तार तो इधर उधर उड़ेगा ही, ठीक है, तो आप इसको ले के इधर उधर जा सकते हो। इसके बटन सॉफ्ट हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपको खुद से भी कस्टमाइज तरीके से करना है, मान लो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे बटन आप दबाओगे उस लेवल पे लेके चला जाएगा, उस क्या बोलते हैं टेम्परेचर पे लेके चला जाएगा, वहाँ से आपको कुछ दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर जो भी चीज़ें हैं इसमें दी हुई उसके अलावा आप कुछ बना रहे हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कितना करूं, और आपको पता है कि इस टेम्परेचर पे मैं कर सकता हूं, ठीक है, इस बटन के अलावा अगर आप खुद से कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्लस और यहाँ पे माइनस बटन, यहीं पे है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस और माइनस बटन का साइन है, यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हो आसान तरीके से, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में पूरा सब कुछ, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि द सिरेमिक प्लेट इज़ हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज़ डोंट टच विद योर हैंड, ठीक है। इस प्लेट को आपको ये कहा गया है कि जब ये बन जाता है, वैसे तो देखिए यहाँ गर्म नहीं होना चाहिए, इन्होंने जो बोला है ये एंटी मैग्नेटिक वॉल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको बोला जाता है कि यहाँ पर आप हाथ मत लगाइए, थोड़ा गर्म होगा, ठीक है, तो उससे आप हाथ लगाएंगे तो आप जल सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि प्लीज़ इंश्योर हॉट वेसल्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल पैनल टू अवॉइड डैमेज। जो गरम गरम आप वेसल्स होंगे ना, जो बर्तन, ठीक है, जो आप गरम किया आपने या फिर आपने इसको कुक किया, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंट्रोलर है, ठीक है, इस कंट्रोलर के पास वो गरम बटन, गरम चीज़ें ना आए, वरना ये ख़राब हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, ख़राब हो ही जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोग गीले हाथ से ही बटन कंट्रोल करने लगते हैं, तो वो भी मत करिएगा। मैंने पिछली बार गीले हाथ से हमारे यहाँ यूज़ किया गया था तो इस वजह से ख़राब हो गया था, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसको मत करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि कस्टमाइज ना यूज़ करके जो इधर दिया हुआ है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को ही यूज़ करिएगा। और आने वाले वीडियोस में मुझे याद रहा तो मैं आप लोगों को इसका इम्प्रेशन भी बताऊंगा कि कैसा है ये यूज़ करने में, क्योंकि प्रेस्टीज का बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, प्रेस्टीज एक बहुत अच्छे लेवल को होल्ड करता है, और उसके बाद इनका ये एक जो इंडक्शन कुक स्पॉट है उसको यूज़ करने के बाद हमें कैसा लगा, हम ये भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। आपको हमारी अनबॉक्सिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई कमेंट सुझाव हो या फिर अगले वीडियोज़ का कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।